नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले यानी कि अप्रैल महीने में होने वाले क्रिकेटिंग एक्शन के बारे में, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे अगले महीने होने वाले तकरीबन सभी मैचेस के बारे में, साथ ही बात करेंगे शेड्यूल, वेन्यूज, मैच टाइमिंग और ब्रॉडकास्टिंग चैनल के बारे में। तो हर बार की तरह दोस्तों बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दोस्तों मार्च महीना क्रिकेटिंग एक्शन से भरपूर रहा और बहुत से रोमांचक मैचेस भी देखने को मिले, और अब आप फिर से तैयार हो जाए कुछ इसी प्रकार के मैचेस देखने के लिए, क्योंकि अब आने वाला है अमेजिंग अप्रैल। जी हां दोस्तों, अप्रैल महीने में भी बहुत से मैचेस होने वाले हैं, तो चलिए अब एक एक कर सभी मैचेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक जरूरी सूचना कि इस वीडियो में आगे जाके कोई भी जानकारी में बदलाव होता है तो वो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा, और साथ ही खेली जा रही सीरीज से लगती और टाइमिंग और ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जानने को मिल जाएगी, तो कमेंट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं होने वाले सभी मैचेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड में चल रही बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में। तो अभी T20 सीरीज चल रही है जिसके दो मैचेस भी हो चुके हैं, और अब कल यानी कि 1 अप्रैल को खेला जाएगा तीसरा और अंतिम T20 मैच ऑकलैंड में। तो दो T20 में जीतकर न्यूजीलैंड पहले से ही सीरीज जीत चुकी है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि तीसरा मैच बांग्लादेश जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आगे बात करते हैं अप्रैल महीने में शुरू होने वाली सीरीज के बारे में। तो पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर जाने वाली है। यह दोस्तों अफ्रीका में 3 ODI और 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें सबसे पहले शुरू होगी वनडे सीरीज, जिसका पहला ODI 2 अप्रैल को सेंचुरियन में खेला जाएगा, जिसके एक दिन बाद यानी 4 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में होगा दूसरा वनडे, और तीसरा और अंतिम वनडे मैच 7 अप्रैल को सेंचुरियन में खेला जाएगा। इसके बाद शुरू होगी T20 सीरीज, जिसमें 10 और 12 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में खेले जाएंगे पहले दो T20 मुकाबले, और अंतिम दोनों T20 14 और 16 अप्रैल को सेंचुरियन में खेले जाएंगे। आगे बात करते हैं बांग्लादेश टीम की, जो श्रीलंका के टूर पर दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जाने वाली है। जी हां दोस्तों, जिसमें पहला टेस्ट मैच 21 से 25 अप्रैल तक खेला जाएगा, तो वही दूसरा टेस्ट मैच 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा, और दोस्तों दोनों ही मैच पालेकेले में खेले जाएंगे। अब फिर से बात करते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में, तो साउथ अफ्रीका से सीधे जिम्बाब्वे के टूर पर जाने वाली है, जिसमें पहले खेले जाएगी 3 T20 मैचों की सीरीज। इसकी डेट के बारे में बात करें तो 21, 23 और 25 अप्रैल को हो गए पहले 3 T20 मुकाबले, जिसके बाद शुरू होगी टेस्ट सीरीज, और पहला टेस्ट मैच 29 अप्रैल से 3 मई तक खेला जाएगा, और दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच मई महीने में होगा, जिस कारण उस बारे में हम अगले महीने आने वाले वीडियो में बात करेंगे, और वो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों इस टूर में होने वाले सभी मैचेस हरारे में खेले जाएंगे। अब बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम न्यूजीलैंड के टूर पर है, और अभी 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले 2 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया ने और एक न्यूजीलैंड की टीम ने जीत लिया है। इस प्रकार सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है, और अब कल यानी 1 अप्रैल को ऑकलैंड में होगा अंतिम यानी तीसरा और निर्णायक मुकाबला, जिसके बाद इन दोनों ही टीमों के बीच शुरू होगी 3 वनडे मैचों की सीरीज, जो 4, 7 और 10 अप्रैल को खेली जाएगी, और दोस्तों सभी मैचेस माउंट मंगनुई में खेले जाएंगे। अब बात करते हैं T20 लीग्स के बारे में। तो दोस्तों अप्रैल महीने में शुरू होगी क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग। यह दोस्तों 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है इस साल का IPL, और अप्रैल महीने में कुल मिला के इसके 26 मुकाबले खेले जाएंगे। यह दोस्तों तो तैयार हो जाइए T20 मैचेस के मजे लेने के लिए। और अब अंत में बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। तो दोस्तों इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके कुल मिला के अप्रैल में 36 मैचेस खेले जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अप्रैल का महीना होने वाला है क्रिकेटिंग एक्शन से भरपूर, जिसमें कुल मिला के 39 टेस्ट मैच, 6 वनडे और 35 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अब जल्दी से इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।